जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के बुटवारिया गांव में कुछ महिलाओं को बिना जानकारी दिए उनके नाम से लोन उठाने एवं कुछ महिलाओं को लोन दिलाने के बाद उनसे पैसे लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में दो महिलाओं पर इस तरह की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। मामले को लेकर भुक्तभोगी महिलाओं ने तिसरी थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में भुक्तभोगी महिलाओं ने बताया कि एक दिन पूर्व लोन कंपनी के लोग आए थे और उनसे लोन के पैसे की मांग करने लगे। उन्हें खुद पर लोन होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके गांव की सोलानी किस्कू और रोशिला मारंडी ने उनसे आधार कार्ड और बैंक खाते की मांग की थी। वहीं कुछ महिलाओं ने बताया कि सोनाली और रोशिला उन्हें लोन दिलाकर उनके खाते से पैसे निकालकर अपने पास रख ली। अब ऐसे में वे कहां से लोन भरें? हम लोग के जानकारी से उठा लिया है सोनाली और बोलता कि हम नहीं लोन लिए हैं, आप कंपनी आया मेरा घर में काल फिरे तब हम लोग जाने। तब सर बोला कि से लोन हमको आज किस्ती है दीजिए। तो हम बोले कि हम पैसा लिए नहीं तो लोन कैसे हम दे दिए सर। तब बोला कि नहीं, आपके आधार कार्ड लगा है, वोटर कार्ड लगा है, आप पैसा लिया है आप दीजिए। तो हम बोले कि सोनाली के लोन उठा के दिए हैं और उसका घर में लोन जमा होता है, आधार कार्ड हमको हाथ से ले लेता है मांग के, हम लोग दे देते हैं। अब वो क्या करता है नहीं करता हम लोग नहीं जानते, हम तो अनपढ़ है, सब पढ़ा लिखा आदमी है, तो हम लोग क्या पता है क्या कर रहा नहीं कर रहा। खाता में तो आया तो खाता में आ गया, तो बोला कि चलिए चेक करा लो, खाता बंद हो गया कि कैसे हुआ है। तो हम लोग जाते हैं वहाँ चेक करने, तो वो लोग भी जाता है साथे, तब बोलता है चेक हो गया, खाता चालू है, जाइए घर, नहीं देता। तो पैसा कुछ देगा, खाली नामा ले लेती है, पूछ लेती है, पैसा ले लेती है। अरे हमरार के नाम है तो कंपनी आता है हमरार के दुर्गा, तो पैसा लिए हैं नहीं है, कंपनी मांगता है तो कहाँ से ले। तो पैसा वही न ली हम लोग को तो नहीं दी, नहीं बताई। और पैसा सारा उन लोग निकाल के रख लिए एकदम। कौन कौन निकाल के रखी है? कौन कौन? वही एगो रोशेली बोलते हैं सो, अरे वो यही सोनाली, यह दोनों गुरु हो गए, ठेपा लगा दिए, सेल करवा ली हम लोग को, पैसा उठा ली। तो वह वहाँ जब चल गए तो दीदी पैसा उठाना है दीदी, अब पैसा उठाई निकल गए। इधर मामले में सोनाली किस्कू ने बताया कि उनके ऊपर लगाया गया सारा आरोप बेबुनियाद है। महिलाओं ने खुद लोन उठाकर रोशिला को पैसे दिए हैं जो अब फरार है। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।